Oppositional defiant disorder is a behavior disorder which is characterized by defiant, disobedient, and hostile behavior, which usually manifests during a childhood or adolescent age. So, uh, when we are saying oppositional defiant disorder, that means that we are discussing about the externalizing behavioral disorder or those behavior disorders which are destructive in their nature. Basically, jo ODD ke बच्चे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है वो ऐसे बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव होते हैं आम तौर पर ये जो डिसऑर्डर होता है ये एग्जिबिट हो जाता है बिफोर द एज ऑफ एट इयर्स तो बचपन में ही जो बच्चे का टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा हॉस्टाइल होगा आ, टेम्पर टेंट्रम वो बहुत ज़्यादा एग्जिबिट करेगा आर्गोमेंटेटिव बहुत ज़्यादा होगा तो इस किस्म के बिहेवियर जब बच्चा एग्जिबिट करे तो उसको हम कहते हैं कि इस बच्चे को अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है इसकी जो सिम्टम्स हैं उनको हम थ्री वेज में कैटेगराइज कर सकते हैं नंबर वन नेगेटिव इफेक्ट नंबर टू डेफिएंट एंड नंबर थ्री हॉस्टाइल बिहेवियर सो जब हम बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट की तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर एंगर जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे बच्चे जो हैं वो आमतौर पर टेम्पर टेंट्रम बहुत ज़्यादा शो करते हैं जब हम बात करते हैं डेफियन डिसऑर्डर डेफियन की या डिसबीडियंस की तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा आर्गमेंटेटिव होते हैं और वो अपना जो ब्लेम है वो दूसरे लोगों के ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं ठीक है इसके साथ साथ होते हैं बहुत ज़्यादा यानी बहुत ईजिली दूसरे शख्स को इरीटेट कर देते हैं देन हर्टफुल बिहेवियर या वेक्टिव बिहेवियर जिसका मतलब होता है मीन बिहेवियर ये बहुत ईजीली ऐसे बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं जिससे दूसरे लोग बहुत आसानी से हर्ट हो जाते हैं इनके ये जो जितने भी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं जब वो एग्जिबिट कर रहे होते हैं तो इससे इनके इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होते हैं वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और ये जो इफेक्ट है वो उनका अपने पीयर्स के साथ भी हो सकता है सिबलिंग्स के साथ भी हो सकता है और पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है ऐसे बच्चे आमतौर पर पर टाइम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को भी एग्जिबिट करते हैं जिसके अंदर इनकी फिजिटिटी ज़्यादा होती है और ये इनका ऑनसीड बिहेवियर डेवलप नहीं होता तो सर्टन टाइम ई की भी जो सिम्टम्स हैं वो इनके साथ कोमोबिडिटी में एग्जिबिट हो रही होती हैं